दोस्तों, ये मेरे गांव की गली है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि गांव कैसे होते हैं। ये मेरा गांव है और ये पुराना घर है हमारा। पेड़ काफी टाइम से लगा हुआ है और इस पर फल तो लगता है अमरूद, लेकिन क्या है कि बच्चे छोड़ते नहीं है, गांव वाले ले जाते तोड़ता आड़ कर। देखो, चलो, ये हमारा बाथरूम था, यहाँ समर्सिबल, और इसमें दो रूम है, ये किचन, ये हमारा फ्लोर। ये हमारे फ्लोर में बिन बुलाए मेहमान आए हुए हैं। ये हमारे यहाँ की कॉलोनी है, यहाँ भी नई नई कॉलोनी कटी है। किधर जाऊँ ने की करा ये अभी एक साल हो गए इस कॉलोनी को, एक डेढ़ साल कटे हुए, तो प्लॉट काफी बन गए, भर गए। ये बस देखो, और भी बन रहे हैं अभी, ये रेस्ट रोड़ी। इस तरीके से गलियां, अभी ये फिलहाल जो गली है ये कॉलोनी की है, कच्ची गली है। हमारे गली के कुत्ते हैं, जो देख रहे हैं कि भाई कर क्या रहा है ये, तू भी कैमरे में आ रहा है। तो ये दोस्त बैठे हुए हैं दो अंदर। फिलहाल ये खेतों का एरिया, जो गांव होते हैं, गांव के चारों तरफ खेत है। क्या होता है दोस्तों कि गांव की लाइफ जो होती है वो इसी तरीके से होती है, गांव के चारों तरफ खेत खलियान और नई नई कॉलोनियाँ, कुछ भी छोटा सा काम होना गांव में तो वो कुछ अलग दिखता है। शहरों में इतना भी हो जाए उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना गांव के लोगों पर पड़ता है। सूर्य अस्त हो रहा है और खेतों में देखो गेहूं हो गई है, एक एक इंच हो गई है, एक एक इंच यानी कि बुआई को हो गई होंगी इसको 15 दिन। तो ये कोठड़े हैं जो खेतों में रखवाली के लिए होते हैं, ये साथ में कॉलोनियाँ हैं जो कटी हुई हैं साथ में और प्लॉटिंग हुई पड़ी है, और ये ट्रांसफार्मर है, ये लाइन सीधा हमारे गांव की साइड जा रही है, ये जो तारें जा रही हैं गांव की साइड जा रही है ये लाइट, और ये भी कोठड़ा बना हुआ है।
ये जो मशीन है ये है जो गेहूं बीजती है मशीन, इसके द्वारा रोपण किया जाता है गेहूं का। इसमें गेहूं गेरी जाती है और इसका पाइप है जो इसमें से गेहूं आता है नीचे, ठीक है। तो ये हैरो है, कल्टीवेटर हैरो वगैरह। ये खेतों में तार लगा दी जाती साइड में, ये जो रास्ता जा रहा है ऐसे ये ट्यूबवेल पे जाता है ना, कच्चा रास्ता है, ताकि ये गाय भैंस वगैरह जो रात को उजाड़ ना करें। तो इस तरीके से ये गेहूं भी पड़ी आपको दिख ही रहा होगा। दोस्तों आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि गांव की वाइब कैसी लग रही है। जो भी गांव से हैं या गांव में रहते हैं या शहरों में बस गए जा करके, तो इस तरीके के हमारे यहाँ का एरिया है, ठीक है। ये सारी कॉलोनियाँ कटी पड़ी हैं, बसी पड़ी हैं, बाइक खड़ी हैं और इस तरीके की यहाँ के घर हैं जो छोटी छोटी कॉलोनियों वाले रह रहे हैं, 50-50 गज के, 60-60 गज के कटवा करके कॉलोनियों में रह रहे हैं। और लो जी हम पहुँच चुके हैं रेलवे लाइन के पास। तो इस तरीके का नज़ारा है और व्यू है रेलवे लाइन का। देखो खेतों में जो रेलवे ट्रैक निकलता है और वहाँ घूम करके शाम को टाइम जो आनंद मिलता है ना भाई, ओए होए होए होए, उसके तो कहने कुछ अलग है। तो सनसेट हो चुका है, थोड़ा सा रह गया, तो अभी मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। इस सीढ़ियों से चढ़ेंगे हम, ये जो ऊपर जा रही है सीढ़ी, और देखेंगे ऊपर चढ़ करके कि कैसा नजारा है ऊपर से, क्या व्यू आ रहा है। शानदार व्यू,
भाई जो यहाँ बंदा खड़ा है ना वही फील कर सकता है यहाँ की वाइब, वहाँ यहाँ की जो हवा है ना, यहाँ का जो एक है ना मीठी मीठी सी जो अंदर महक सी आ रही है भाई, बहुत ही अलग महसूस होता है यहाँ पर। ये कॉलोनी कटी हुई है धुंध हो चुकी है भाई यहाँ पर, कोहरा कहते हैं ना कोहरा, तो कोहरा जमने लग गया है उसकी वजह से। जो रेल वालों ने बनाया नाले के यहाँ पर बीच में जो जितने भी काफी पहले खजूर के पेड़ होते थे, अब तो काट काट के दुनिया ने अपने घर में जो शतीर बाले डालते हैं ना वो बना दिए है ना, काट काट के ले चलती तो है नहीं लकड़ी, ये लकड़ी ये जैसे कच्चे मकान बनाते थे ना पहले, तो काट के ले जाते हैं उसमें ये डालते हैं ऊपर, इसके फट्टियाँ वट्टियाँ लगा करके छत बनाते हैं। साब कल्चर लोगों का देख ही रहे हो ना सेम भाई, आपके गांव जैसा ही है इतना लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और कोई गलती हुई हो तो वो भी मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई आपने इस जगह पर गलती की है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले भाई मैं आगे और ब्लॉग बना सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।